Alright, so this video is the further part of this video. In case you have not seen this video, you can watch this video first. तो आपको बताते हैं कि अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इस वीडियो को देख सकते हैं, फिर ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होगी. Got it? तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, थंबनेल पढ़ लिया है, तो क्या करना चाहिए अगर आपकी जो वाइफ है वो कोर्ट के डिक्री पास होने के बाद भी नहीं आती है, कोई ऑर्डर पास होने के बाद भी आपके पास नहीं आती है. कोई का मतलब सेक्शन 9, यानी कि आपने सेक्शन 9 फाइल किया उसके बाद भी आपकी जो वाइफ है वो वापस नहीं आती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रो. जस्ट अ यंग गन विद अ क्विक फ्यूज. आई वाज अपटाइट, वांटेड टू लेट लूज. आई वाज ड्रीमिंग अ बिगर थिंग्स एंड वांटेड टू लीव माय ओल्ड लाइफ बिहाइंड. ऑलराइट, तो कोर्ट के आदेश के बाद भी वापस नहीं आना, वाओ, तो इसे बोलते हैं हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की अवमानना करना. आई मीन कोर्ट की बात नहीं मान रहे, बताओ, कोर्ट की ही बात नहीं मान रहे तो पति की तो क्या मानेंगे. एनीवे, तो आपको क्या करना है, एक केस फाइल करना है. तो पहले मैं आपको बता दूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कोर्ट की अवमानना करना. ये दो तरह का होता है, एक सिविल एक क्रिमिनल. अब आपके केस में क्या है, ये सिविल है क्योंकि आपका फैमिली का मैटर है. आपका फैमिली का मैटर है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने सेक्शन 9 फाइल किया होगा तो आपको कुछ डिक्री पास हुई होगी, डिक्री आपको रिटर्न में होगी, तो आपको क्या करना है, वो डिक्री लेके एक कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसी कोर्ट में जिसमें आपने सेक्शन 9 फाइल किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, यानी कि आपकी जो वाइफ है वो कोर्ट का कहना नहीं मान रही, सरल शब्दों में कहें तो. तो जैसे ही कोर्ट में, कोर्ट की नज़रों में ये मैटर आएगा, वो उन्हें बुलाएंगे और दोबारा से ऑर्डर दे देंगे और उन्हें थोड़ा फाइन भी कर देंगे, बिकॉज इट इज़ ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये तो हो गई बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की. गॉट इट? अब सेकंड ऑप्शन क्या है, यानी कि ये भी करने से आपकी जो वाइफ है वापस नहीं आती, मान लो नहीं आती तो क्या करना चाहिए. तो आपको बता दें एक हैबियस कॉर्पस नाम की रिट होती है. हैबियस कॉर्पस नाम की रिट होती है, इसमें क्या होता है, अनलॉफुल डिटेंशन का मैटर डाला जाता है. कभी कभी क्या होता है, मान लो आपकी जो वाइफ है वो आने के लिए तैयार है लेकिन उनकी जो फैमिली वाली है, स्पेशली उनके जो फादर साहब हैं, वो उन्हें आने नहीं दे रहे, उन्हें बंधक बना के रख लिया. तो ऐसे में क्या करना है आपको, हाई कोर्ट यानी कि जो भी आपका स्टेट है उसके प्रिस्क्राइब्ड हाई कोर्ट में आपने रिट डालनी है हैबियस कॉर्पस की. गॉट इट? अंडर आर्टिकल 226, ध्यान रखें, हाई कोर्ट, आपको हाई कोर्ट जाना है. तो जैसे ही आप रिट डालोगे तो उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा, या तो उन्हें कोई सफिशिएंट रीज़न देना पड़ेगा और उनको आना ही पड़ेगा. गॉट इट? तो क्लियर. आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन. सो बाय.